मास्क पहनो यार, हॉस्पिटल है। नवादा जिले में आपराधिक घटनाओं में लगातार तेजी से इजाफा होता जा रहा। बता दें कि जिले में 24 घंटे के अंदर विभिन्न थाना क्षेत्र में हुई हिंसक घटनाओं में दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं इस दौरान लूट की घटना को भी अंजाम दिया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा कि एनएच 31 पर दर्जन भर अपराधियों ने बैंक से रुपये निकालकर अपने गांव जा रहे सत्येंद्र कुमार के 98,000 रुपये लूट लिए। साथ ही उनके ड्राइवर के गले में पड़ा सोने का चेन भी लूट लिया गया। ऐसे ही जिले में कई तरह की घटनाएं आजकल सामने आ रही हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तबू लोग अटैक कर दिया, गाड़ी को रोकवा दिया, चाबी ले लिया ड्राइवर से। चाबी लेने के बाद वो हमको क्या बोलता है, इधर से घीच लिया। घीचने के बाद मारपीट करने लगा तो हम अकेले जब तक थे, मैंने अकेले लगा, हम भी दुकान फेंक लगाए, लेकिन इतना ही 10-15 का संख्या हम लोग था। मैंने कुछ दिन पहले हमारा बच्चा बाइक खोला था, और उस बाइक में सोच लिया कि बड़ा हो जाएगा, अपना पैसा कमाने लगा, तो उसको मारपीट किया था। हम थाना में केस दर्ज किए FIR, और उसी में वो कहा था कि FIR उठा लीजिए। हम कहे कि नहीं उठावेंगे, तो कहीं तुमको गोली मार देगा। वही हम भैंस लेकर आ रहे थे, फिर मार दिया गोली, हम गिर गए। उसके बाद तलवार से मार दिया, अरे ज़्यादा भी दौड़ने लगे बचाने के लिए, इसको भी मारा। अंदर से जैसे करके टूट गया, तो बच्चा देखा कि जैसे वो ले लिया, वो इसके पास मांगने के गया, तो घर में जैसे रेखा देवी और अशोक यादव घुसा लिया अंदर। जब बच्चा चिल्लाया तो बच्चा को मार गया। तो क्या हुआ भाई? तो है वो सनिकर नहीं मान रहा है, तो तहसील आदि पहना लेके नवादा से रामजी प्रसाद के साथ अंशु भारद्वाज की रिपोर्ट, ATN Live इंडिया।